बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी यूनियन और इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक है। ये सारे आड नंबर हैं, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, ये सारे आड नंबर यानी कह सकते हैं ताकदाद हैं। ये दो पर तकसीम नहीं होते, एक एक छोड़ के 1, 3, 5, 7, 7 के आगे 9, 11, 13, 15, 17 और 19 तक। और वाई आ गए हैं, ये युफ्त दाद आ गए हैं जो दो पर तकसीम हो जाते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आ गए, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 युफ्त दाद। और जेड वाली वैसे ही उन्होंने दी हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इसमें हमने करना है, पहले तो सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन, साहब ये ब्रैकेट भी आ गई है साथ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हम पहला पार्ट करते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसमें क्या करना है, पहले एक्स है तो हम पहले एक्स वाली रकम ले लेंगे, या पहले एक्स है तो एक्स वाली रकम लिख लेंगे। ये वाली एक्स वाली रकम है 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक। आगे यू है तो हम यू लिख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट के बाद वाई है तो वाई वाली रकम लिख लें। अब ये वाई वाली रकम दी हुई है 0, 2, 4, 6, 8 से लेकर 20 तक। उसके बाद फिर यू दिया हुआ है आगे तो यू लगा लें, उसके आगे जेड दिया हुआ है तो जेड वाली रकम लिख लें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। उसके बाद ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर लें। अब क्या करना है, ये तीन सेट हैं, 1, 2 और 3, तीनों के दरमियान में यूनियन आ रहा है। हमने पहले दो सेट हल करने हैं, कौन से दो सेट हल करने हैं जिनके इर्द गिर्द ये वाली ब्रैकेट आ रही है। अगर ब्रैकेट आ रही है तो पहले हमने वो सेट हल करना है और दूसरा सेट हमने वैसे लिख देना है। हल करते हैं, ये वाला सेट ऐसे आ जाएगा 1, 3, 5, 7 से लेकर 19 तक, आगे ये यू तक है, वहाँ आगे ब्रैकेट शुरू हो रही है। तो ब्रैकेट ये दो सेट हैं, दोनों सेटों में हमने क्या करना है, यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन में हमने लिखने होते हैं सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स हमने लिखने होते हैं, सारे अदाद को इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है। तो हम लिखेंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 इसमें आ गया, 2 उसमें भी है, उसमें 3 आ गया, 3 के बाद इसमें आ गया 4 आ गया, 4 के बाद इसमें 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद इसमें 9 नहीं है, तो 9 इसमें भी नहीं है क्योंकि ये 8 के बाद 10 आएगा, युफ्त दाद हैं ये वाले, तो 9 नहीं है, 9 के बाद इसमें फिर 10 आ जाएगा, वो 10 लिख लेंगे, 10 के बाद इधर 11 है, 11 के बाद 12 इसमें आ जाएगा, 10 12 आ जाएगा, उसके बाद 13 इधर आ गया, 13 के बाद 14 इसमें है, 14 के बाद 15 इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है, और 16 इसमें आ जाएगा, उसके बाद 17 है, 17 के बाद 18 इसमें आएगा, 18 के बाद 19 है, 19 के बाद 20 इसमें आ गया, और 20 के बाद बस एक रुकन रह गया ये वाला, तो वो है 23। तो ये हमारा इसका यूनियन हो गया। अब हम करते हैं इन दो सेट, एक ये वाला सेट आ गया और एक ये वाला सेट आ गया, हम दोनों सेटों का यूनियन मालूम करते हैं। तो दोनों का यूनियन मालूम करते हैं हम, ये सारे ताकदाद हैं। पहले 0 आ जाएगा, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे यूनियन में आ जाएंगे, 10 आगे बाद 11, 12, 13, 14 के बाद 14 तक, तो हम ये सारे आ जाएंगे क्योंकि एक भी है, 2, 3, 4, 5, 0 1, 2, 3 से लेकर 14 तक इसमें आ गए, यहाँ तक तो हमने लिख लिए हैं सारे, क्योंकि एक भी आ गया 3, 5, 7 वो सारे इसमें आ जाएगा, 9 के बाद 11 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 13 इसमें आएगा, वो 20 में आ गया, 14 आगे, इसके बाद 14 के बाद इसमें आता है 15 आता है, 15 उसमें नहीं है लेकिन यूनियन में सारे लिखने, 15 लिख लेंगे, 15 के बाद 16 इसमें है, उसके बाद 17 उसमें भी है, 17, 18, 19 ये वाले सारे हो गए, 19 के बाद 2 रुकन रह गए हैं 20 और 23। तो ये हमारा इस तरह एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, एक्स यूनियन वाई, उसके बाद फिर यूनियन है जेड। पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट लिख लेंगे,
उसके बाद एक्स है तो एक्स वाली रकम लिख लेंगे, वो है 1, 3, 5, 7 से लेकर आ जाएगी 19 तक। उसके बाद यू है तो यू यूनियन लगा लेंगे। उसके बाद वाई है तो वाई की रकम लिख लेंगे, वो जुफ्तदा 0, 2, 4, 6, 8 से लेकर आ जाएंगे 20 तक। उसके बाद ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर लें। उसके बाद यू है, फिर जेड है तो जेड की रकम लिख लें, ये जेड वाली रकम 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ये वाला हमारा जेड वाला सेट था वो हमने लिख लिया। अब इधर ब्रैकेट आ गई है तो पहले हम ये वाला हल करेंगे, ये वाली वैसे ही लिख लेंगे। यूनियन में क्या करना है, दोनों के रकान सारे मिला के एक सेट में लिखने हैं। तो ये इसमें सारे जुफ्त हैं, इसमें सारे ताक हैं। 0 के बाद 1, 2, 3 इसमें आएगा, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें। इसका मतलब है 19 तक ये हो गए, तो 20 तक ये जो सारे अदा तो हमारे आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 से लेकर सारे आगे 20 तक। ये हमारा ये वाला यूनियन का सेट हो गया। ये सारे अदा इसमें 2, 4, 6 आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7 सारे मिला के आ जाएंगे। आगे ये यूनियन है, ये वाला सेट लिख लें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब इसमें क्या करेंगे, यूनियन वाले सारे लिखने हैं। तो इसमें क्या आएगा आपके, ये 0 से लेकर 20 तक तो सारे ही आ गए, 0, 1, 2, 3 से लेकर 20 तक तो हमारे सारे आ गए। यहाँ तक 7, 11, 13, 17, 19 तक तो सारे इसमें शामिल होंगे, सिर्फ एक रुकन रह गया 23, तो ये हमारा आ गया 23। दूसरा पार्ट मुकम्मल हुआ है। इन दोनों का जवाब सेम आता है, दोनों में यूनियन है। चाहे ये ब्रैकेट पहले हल कर लें फिर बाद में ये कर लें। ये भी देखें 14 तक 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, ये भी सीधा लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये पहला और दूसरा पार्ट मुकम्मल होता है। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तीसरे पार्ट में क्या करता हूँ कि ये वाली रकम, इसमें हम काट लेते हैं तीसरे पार्ट में, यहाँ पे तकाते हैं और आगे भी हमारा ये तकाते हैं, यहाँ पे भी तकाते हैं और यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, तकाते आ गया, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो तीसरे पार्ट में दोनों में तकाते या इंटरसेक्शन है। एक्स वाली रकम आगे ये तकाते या इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट आ गई, वाई है तो वाई वाली रकम लिख ली, उसके बाद फिर तकाते या इंटरसेक्शन, फिर जेड है तो जेड की रकम बाद में लिख ली, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ब्रैकेट तो इसमें है, ये हल करेंगे, ये वैसे लिख लेंगे 1, 3, 5, 7 से लेकर आ गया 19 तक। और तकाते, तकाते में हमने कौन से लिखने हैं, तकाते में हम वो लिखते हैं तकाते, या इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में अरकान होते हैं, दोनों सेटों में जो रुकन होंगे वो हमने लिखने हैं। तो दोनों सेटों में, 0 दोनों में नहीं होगा, 2 दोनों में हो जाएगा, 2 के बाद दोनों में, 3 इसमें नहीं है, उसके बाद 5 इसमें नहीं है, ये सारे जुफ्त हैं, 7 भी इसमें नहीं है, 11 भी इसमें नहीं होगा, ये सारे जुफ्त आ रहे हैं जो 2 पे तकसीम होते हैं, 13 भी इसमें नहीं होगा, 17 भी, 19 भी और 23 भी। सिर्फ एक रुकन है जो 2 दोनों में शामिल है, तो हमारा ये वाला सेट सिर्फ क्या बन जाएगा, 2। अब इन दोनों का तकाते मालूम करना है, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, दोनों में 2 नहीं मौजूद, तो ये आ जाएगा आपका खाली सेट, ऐसे लिख लें, या इसको आप लिख सकते हैं 5। इधर अब जो हमारे दोस्त चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर, ये हमारा पार्ट नंबर 3 हो गया और ये हमारा हो जाएगा चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में सारे ये यूनियन लिखा है, तो वहाँ पे सिर्फ तकाते या इंटरसेक्शन है, हम सिर्फ ये कर लेते हैं, तकाते या इंटरसेक्शन दरमियान में कर देते हैं और नीचे से हम हल कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, अब इन दो सेटों का तकाते मालूम करना है, इसमें जो अरकान एक जैसे हैं वो हम लिखेंगे। तो ये सारे ताकदाद हैं, ये सारे जुफ्तदाद हैं, कोई भी दोनों में मौजूद नहीं होंगे तकाते में या इंटरसेक्शन में, तो हम ये आ जाएगा हमारा हाली सेट आ जाएगा इसका हल। आगे ये वाला तो हल हो गया, हाली सेट, आगे ये वाला तकाते और आगे वाली रकम लिख लेनी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। अब जब इन दोनों का तकाते मालूम करेंगे, इसमें कोई रुकन है ही नहीं जो इसमें हो, दोनों में कोई मुश्तरक या एक जैसा है ही नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, खाली सेट लिख लें, आप क्या लिख सकते हैं 5, इसे क्या पढ़ते हैं 5। इधर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट मुकम्मल हो गए हैं, अगले 4 पार्ट मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। इसमें से किसी क्वेश्चन की, किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अगले लेक्चर की वीडियो भी आप देख सकें। शुक्रिया।